तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सवाल है इंटेक्स 10.7 जो हेलो एल्केन्स हेलो एडीन चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर ये जो सवाल है वो है SN1 SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म पर बेस्ड। ठीक है, तो SN1 और SN2 क्या होता है? SN1 होता है हमारा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 होता है बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दोनों रिएक्शन में खासियत यहाँ पर ये है कि जो रिएक्शन SN1 के प्रोसेस में मैकेनिज्म में फास्ट होता है, रैपिडली जो SN1 फॉलो करता है वो SN2 स्लोली फॉलो करता है, और जो SN2 फास्ट फ्लो करता है वो SN1 में स्लो प्रोसेस में आगे बढ़ता है। कहने का मतलब ये हो गया SN1 और SN2 बेस्ड होता है बाबू। तो यहाँ SN1 के हम प्रोसेस की बात करें तो SN1 रिएक्शन सबसे फास्ट 3 डिग्री में होता है, उससे स्लो 2 डिग्री में, और उससे स्लो जो होता है वो 1 डिग्री में होता है। जबकि SN2 रिएक्शन की बात करें तो सबसे फास्ट वो 1 डिग्री कार्बन टाइम में होता है, फिर 2 डिग्री में, और उससे स्लो 3 डिग्री में होता है। ठीक है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होता है। ध्यान दें यहाँ पर कि ऐसा इसलिए, सिंपल बात है यहाँ पर कि मान लीजिए हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है, तो मिथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल, यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड यहाँ बना हुआ है, कार्बन के चारों बॉन्ड टेट्राहेड्रल ही है। अब यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए OH- आ जाता है रिएक्ट करने के लिए, तो ये अपने इंडक्टिव इफेक्ट कारण से जब ब्रोमीन जो है शिफ्ट होना यहाँ शुरू होगा, इस पर पार्शियली निगेटिव यहाँ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे में स्पेस खाली है बिल्कुल। यहाँ पर इसका स्टेरिक पोजिशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कार्बन के पीछे में, यानी कि हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है स्पेस में, पीछे में स्पेस खाली है कार्बन के, तो ये आराम से जो जो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आते जाएगा ये OH- आयन इस पर अटैक करते जाएगा। कहने का मतलब ये न्यूक्लियोफाइल शिफ्ट होते जा रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड होते जा रहा है। दोनों ही रिएक्टेंट साथ साथ काम कर रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और ये SN2 कहलाएगा। वही टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात करें, जहां पर एक तरफ तीनों तरफ रेडिकल होते हैं, 3 डिग्री कार्बो केटायन बनता है, वहां पर पीछे में स्पेस नहीं मिलता है, इसका स्टेरियो पीछे से पूरा ढका हुआ रहता है, जिसके कारण से यहाँ पर OH- को वेट करना पड़ता है। पहले जो है स्लोली स्लोली ये वाला पूरा शिफ्ट होता है, फिर जब ब्रोमाइड निकल जाता है तभी OH- यहाँ से जुड़ पाएगा। मतलब कि इसके स्लो स्टेप में मात्र एक ही रिएक्टेंट इकलौता यही काम करते रहता है, इसलिए वहां पर वो SN1 कहलाता है। तो समझिए यहाँ पर SN1 के लिए पीछे में स्पेस भरा हुआ रहना चाहिए, जैसा कि 3 डिग्री में होता है। जितना ज्यादा भरा हुआ रहेगा उतना SN1 कैरेक्टर आएगा, और SN2 में पीछे का स्पेस खाली रहना चाहिए ताकि आराम से न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सके। ठीक है, इसलिए 1 डिग्री में जो SN2 होता है वो फास्ट होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ जो हमारा ये रेडिकल है वो है 1 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री कार्बोकेटायन यहाँ बनता है, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग को सवाल में दिया है कि कौन सा रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म में रैपिडली होगा, कौन सा स्लोली होगा। ठीक है, तो आप ही बताओ, अब SN2 हमारे पास में है 1 डिग्री 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री में किस में ज्यादा होता है SN2? तो 1 डिग्री वाला में, यानी कि ये रिएक्शन जो है मोर रैपिडली होगा SN2 देन दिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और SN2 के लिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा रैपिड होता है किसके तुलना में, 2 डिग्री में, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर हो गया दिस कंपाउंड। ठीक है, यहाँ ए मान लेते हैं इसको, यहाँ बी मान लेते हैं ताकि बार बार इसका नाम ना लिखना पड़े। तो यहाँ आप लिखेंगे हेयर द आंसर इज ए, आप चाहोगे तो यहाँ एक जगह पर ये पूरा कंपाउंड बना सकते हो, बिकॉज SN2 रिएक्शन इज मोर रैपिड इन 1 डिग्री कार्बोकेटायन देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, ड्यू टू सम स्टेरिक हिंड्रेंस।
अब सब में लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सब में हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्योंकि सब में वही बात है, किसी में 2 डिग्री किसी में 3 डिग्री होगा। ऐसे ही करते करते सारा रिएक्शन और कंप्लीट हो जाएगा, सारा सवाल हमारा बन जाएगा। यही लैंग्वेज सब में आपको लिखना है, खाली यहाँ डिग्री के प्लेस पर जो जो जैसा होगा उसे बदल दीजिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जिसमें यहाँ पर जो है ये हमारा 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है, जो कि हमारा सेकेंडरी हैलाइड है, और यहाँ पर है 2-ब्रोमो-2-मिथाइल-प्रोपेन है, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, जो कि 3 डिग्री यहाँ पर रेडिकल है। तो यहाँ पर आप SN2 के मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो SN2 2 डिग्री और 3 डिग्री किसमें यहाँ पर फास्ट होगा, 2 डिग्री फास्ट होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आंसर जो होगा वो हमारा आंसर दिस कंपाउंड यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 2 डिग्री हमारा जो कार्बोकेटाइन होता है वो SN2 में फास्ट रिएक्ट करता है देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ भी आप लोग आंसर में एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, अब 3 डिग्री की यहाँ पर 3 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर ये भी हमारा प्राइमरी यहाँ पर हैलाइड है और यहाँ पर भी ये प्राइमरी हैलाइड है, दोनों प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन दोनों फर्क ये है कि मिथाइल रेडिकल जो है यहाँ पर ये इसमें तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर ही जुड़ा हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि दूसरे कार्बन पर जुड़ेगा तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस में क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि ब्रोमीन के पास में ये जगह जाकर के बैठा हुआ रहेगा, क्या पास में जाकर बैठा हुआ रहेगा, कहीं कहीं OH- के करीब। देखो यहाँ पर ब्रोमाइड के पास जितने ज्यादा यहाँ पर कार्बन के पास रेडिकल होंगे उतना ब्रोमीन यहाँ पर उतना ही ये कार्बन पर ये वाला रेडिकल अटैक करने से चूक जाएगा, मतलब अटैक नहीं कर पाएगा, जितना ये फ्री स्पेस रहेगा उतना जल्दी से अटैक करेगा, मैंने उतना ज्यादा वहां पर SN2 मैकेनिज्म आएगा, कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि CH3 यहाँ पर क्लोजर है, जिसके कारण से यहाँ पर SN2 यहाँ स्लो होगा, जबकि यहाँ CH3 इस वाले कार्बन से बहुत ही दूर है, जिसके कारण से आराम से जो है OH- आकर के यहाँ पर अटैक कर सकता है, इसलिए यहाँ पर जो है SN2 जो है इसमें फास्ट होगा, इसमें फास्ट होगा और इसमें क्या होगा, स्लो होगा। तो कहेंगे कि इस वाले प्रोसेस में कि दिस कंपाउंड हैज मोर SN2 कैरेक्टर या रिएक्ट्स मोर फास्टर देन दिस ड्यू टू द पोजिशन ऑफ CH3, है ना। CH3 का पोजिशन यहाँ पर Br एटम से बहुत ही दूर है, यहाँ पर क्या है ये वाला C1 कार्बन से जो है बहुत ही दूर है CH3, और ये C1 कार्बन से नजदीक में है CH3, इसलिए इसमें SN2 कैरेक्टर कम होगा, SN1 ज्यादा होगा, इसमें SN2 कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको SN1 SN2 कैरेक्टर समझ में आया है। ठीक है ना, अगर SN1 SN2 थ्योरी नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी भी पढ़ लीजिए आप, थ्योरी पढ़ करके तब न्यूमेरिकल बनाइए अच्छे से, सब सवाल सब आराम से बनेगा, समझ में आएगा। बेहतर प्रैक्टिस करने के लिए आप जो है ढेर सारा सवाल को बनाइए, ठीक है, प्लेलिस्ट में और सारे सवाल क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट किया कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।